नारायण नारायण, आज का विषय है भगवान बहुत ममतालु है। तुम बहुत परिश्रम करके यहाँ आते हो, कितनी झंझटें कितनी तकलीफें तुम्हें भोगनी पड़ती हैं, और फिर यहाँ आने पर भी क्या कम दुर्दशा होती है। लेकिन क्या यह हमारी समझ में आता है कि हम यहाँ क्यों आते हैं, हमें क्या चाहिए? क्या सचमुच ही हमें भगवान चाहिए? हम प्रायः इसका विचार ही नहीं करते। हम पर कोई संकट आया या हमारा कुछ बुरा हुआ तो हम कहते हैं, भगवान ने यह क्या किया, ऐसा कैसे किया, किंतु यह कहने जैसा कोई पाप नहीं है। इससे तो भगवान में विश्वास न करने वाला आदमी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वह कम से कम भगवान ने बुरा किया ऐसा तो नहीं कहेगा। भगवान सचमुच बहुत ममतालु है, वह किसी का भी दुख सह नहीं पाता। क्या किसी माँ को अपने बच्चे को हुआ दुख या कष्ट अच्छा लगेगा? इसलिए भगवान ने मेरा बुरा किया, यह मिथ्या धारणा अपने मन से निकाल डालो। द्रौपदी को जब दुशासन ने वस्त्र हरण के लिए भरी सभा में खींचा, तब उसे लगा था कि पांडव यह दुष्ट कृत्य सह नहीं सकेंगे, वे मेरी दुर्दशा नहीं होने देंगे, वे दुशासन की धज्जियां बिखेर देंगे। उसे पांडवों का विश्वास था, इसलिए जब दुशासन ने उसके आंचल की ओर हाथ बढ़ाया तो उसने धर्मराज की ओर देखा, किंतु धर्मराज को लगा कि यदि इस समय विरोध किया तो मेरे सत्य का पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए उसने लज्जा से सिर झुका लिया। अरे यह कैसा अहम भाव से लतपत सत्य! यही स्थिति अन्य पांडवों की भी हुई। फिर उसने भीष्म पितामह की ओर देखा, किंतु उन्होंने भी गर्दन झुका ली। बस तब तो उसने संसार से सहायता मिलने की आशा छोड़ ही दी और आकुलता से श्री कृष्ण को पुकारा, और उन्होंने साड़ियों का ढेर लगाकर उसकी इज्जत बचाई। बाद में एक बार भेंट होने पर द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा, तुम पहले ही मेरे बचाव के लिए क्यों नहीं दौड़े आए? जब वह दुष्ट मेरी गुथी हुई चोटी अर्थात वेणी पकड़ कर खींच रहा था, तभी क्यों नहीं दौड़ कर आए? तब श्री कृष्ण बोले, उसमें मेरा क्या दोष था? मैं तो तेरी रक्षा करने के लिए आतुर था, किंतु तब तू पांडवों की तथा और लोगों की आशा कर रही थी। तुझे लग रहा था कि वे तेरी रक्षा करेंगे, इसलिए मेरे आने के लिए दरवाजा खुला नहीं था, फिर मैं कैसे आता? हाँ, तूने संसार की आशा छोड़ दी और मुझे आकुल होकर बुलाया, तब मैं तेरी सहायता के लिए दौड़ कर आया। संसार की आशा और आसक्ति छोड़े बिना भगवान तक हमारी हाँक कैसे पहुँचेगी? जिस वस्तु से हमें प्रेम होता है उसी की हमें आवश्यकता लगती है। क्या हमें भगवान की आवश्यकता लगी है, अत्यावश्यकता लगी है? भगवान से प्रेम होने के लिए हमें उसके अखंड सहवास में रहने की अत्यावश्यकता है। यह सहवास यदि किसी से प्राप्त हो सकता है तो वह केवल उनके नाम स्मरण से ही। मेरा यही कहना है कि भगवान का नाम स्मरण कर उनका प्रेम प्राप्त करो। नारायण नारायण।